मैं सारे स्कैम्स बताता हूँ जो पुल ऑफ किए हैं। तो मैं रिवाल्डो का असिस्टेंट, और रिवाल्डो अभी तो बोल सकते हैं, अभी तो हमने जो जो स्कैम पुल ऑफ किए, रिवाल्डो ने टेडेक्स टॉक्स की इंडिया में जो वाट लगाई है ना, मतलब इससे बड़ा। तो रिवाल्डो क्या करते थे, हमें स्टेज नहीं मिल रहा, कोई ओपन माइक कुछ होती नहीं थी उस समय, ठीक है, ये 2008-10 की बात कर रहा हूँ। हम लोग साल में मुश्किल से 2 बार स्टेज पे आते हैं, 365 दिन में 2 बार। अभी लोग ओपन माइक दिन में 2 बार करते हैं। तो रिवाल्डो अपना दिमाग लगाते हैं, रिवाल्डो बैठते हैं यार, ये टेडेक्स टॉक करके कुछ चालू हुआ है इंडिया में, जरा डालो आईटी बॉम्बे का नाम डालो, कॉमेडियन फॉलोअर्स पैशन करके डालो, तो सब जगह लोग हाँ बोल रहे थे। अब रिवाल्डो वहां जाते थे, 18 मिनट का स्लॉट मिलता था, ओपन माइक पूरे जोक्स टेस्ट करके आते थे, और बाकी स्पीकर्स को रोस्ट भी कर देते थे। तो वो 12 स्पीकर में लोगों का फेवरेट होता है, ये बंदा कौन था यार, इसने सारे स्पीकर के भी जोक्स मारे और अपना स्टैंड अप भी किया, और रिवाल्डो ओपन माइक कर रहे हैं वहां पे, और जनता के फेवरेट क्योंकि जोक्स है। बाकी लोग, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में ना पीपल आर गुड अचीवर्स, दे आर ग्रेट अचीवर्स बट दे नॉट ग्रेट स्पीकर्स। तो उसने भली साइंटिस्ट में बहुत बड़ी लैब में उसने कुछ बनाया है ना जो मार्स जा रहा है, लेकिन वो अच्छा स्पीकर नहीं है, और कॉलेज के लॉन्डो को ह्यूमर चाहिए, तो वो उसको भी बू करने लग जाते हैं, या इन्होंने समझ रहो। तो इन्होंने बहुत बड़ा स्टार्टअप खोला है, लेकिन वो इतने अच्छे स्पीकर नहीं है ना, वो अचीवर बहुत बड़े हैं और जनता बोर जाती है। तो साइंटिस्ट बैठे हैं और लोग रिवाल्डो 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 फेवरेट हो जाते थे। तो रिवाल्डो ने बोला ये सही है, तो रिवाल्डो महीने के 10 टेडेक्स टॉक करते थे। ऐसे 10 टेडेक्स टॉक फिर रिवाल्डो मेरे को भी प्रपोज करेगा, अब तू भी आ जा, मेरा हो गया, अब मैं उस स्टेज पे आ गया, अब मैं रेकमेंड कर सकता हूँ स्पीकर। फिर वाले ने बोला एक विपुल करके भी, तो मैंने वैसे 3 लगाए। तो वहां पे होता क्या था, हमें फ्री में फ्लाइट मिल जाती थी, तो हमारा फ्लाइट हो जाता था, ट्रेवल सब फ्री होता था, वहां पे शो करते थे। और हमारी कोशिश रहती थी कि 2 टेडेक्स टॉक पैरेलल हो जाए, कंसिक्यूटिव हो जाए, आज और कल। तो आज और कल वाले को बोलते थे ये टिकट बुक कर रहा है, इसको बोलते ये टिकट बुक कर रहा है, वो जो 5,000 बचते थे ना वो हम जेब में डालते थे। तो हम 2 ओपन माइक करते थे और वो 5,000 रुपए कमा लेते थे। तो ये चलता रहा, फिर जो टेड टॉक वाला जो बैठा यूएस में, उसने एक बार टेडेक्स इंडिया की स्पीकर की लिस्ट जाती, उसने बोला ये कौन है यार, ये तो हर साल आ रहा है, तो हर हर टेड टॉक में कैसे आ रहा है, जबकि टेड टॉक की लिमिट थी कि एक या दो ही कर सकते हो साल के। हाँ। और रिवाल्डो को टेड टॉक यूएस ने बैन किया कि ये आदमी कहीं नहीं दिखना चाहिए, इसने स्कैम बना रखा है टेडेक्स टॉक को। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में ना, इनको हर तीसरा जॉब नॉलेज मिलनी चाहिए, बस आप जेंडर की बात करते रहो। और कितनों के यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड है, नहीं अच्छा आपका बॉयफ्रेंड है, ओ ये अरे ऐसे ना आर्टिस्ट ना, आपको लगता है क्या चल रहा है यार, ये क्या है, मतलब जैसे कॉर्पोरेट में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कोई हंस नहीं रहा है, और कॉलेज में लगता है कि यार क्या कुछ भी चल रहा है क्या, इनको कुछ बेसिक सेंस भी नहीं है क्या, सिर्फ हार्मोन स्क्रीम कर रहे होंगे यार, कोई मतलब नहीं होगा। नितिन, नाउ हाउ डू यू से, हाउ डू यू डिफेंड विपुल्स अर्लियर वर्ड्स दैट ही सेड? मुझे नहीं लगता कि ऐसे कॉलेज ऑडियंस जो है मतलब बिल्कुल ही मतलब भाई याद होती है, मतलब सी ऑब्वियसली, सी आई विल टेल यू, मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स दैट दे लाफ एट, ठीक है ना। जिस उम्र में वो है ऑब्वियसली बंदी वाले जोक्स तो वो तो समझ आएंगे उन्हें, बिकॉज वो एज ग्रुप ही ऐसा है आपका, जो जिंदगी का पड़ाव ही ऐसा है। पर आई स्टार्टेड डूइंग, उस समय जब स्कैम्स काफी चल रहे थे, आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट अराउंड स्कैम्स, सो दैट वर्क वेरी वेल इन कैंपसेस। सो हाँ, अब उस तरह का कॉन्टेंट जो है इट वुड डू बेटर इन अ कैंपस विज़ावी लेट्स अ ऑडी शो, और कॉर्पोरेट में तो उनका जोन ही अलग होता है। कॉर्पोरेट में यू टू गो विद थोड़ा रिलेटेबल इजी टॉपिक जो है ना, बिकॉज वहाँ वैसी लाइफ डेंसिटी क्या मिलती है आपको। सो टू से कि कॉलेज ऑडियंस बिल्कुल फिकल होती है, आई हैव ट्राइड वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो पॉलिटिकल, जो आपकी उस समय सिनारियों पे चल रहे थे कॉन्टेंट वगैरह, टू पिकअप दोज थिंग्स एंड टू अपलोड दैट एंड लाफ इन दैट। तो उसके लिए यू नीड सर्टेन मतलब उस समय की करंट अफेयर्स की नॉलेज वगैरह। सो टू से दैट दे आर फिकल इज रॉन्ग, बिकॉज अदरवाइज हंसते नहीं उन चीज़ों को अपलोड नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कॉलेजेस आज भी काफी प्रोग्रेसिव है, आप कंटेंट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन विद लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स। सो कॉलेज बिकॉज आपकी देखो ना, जो भी टेस्ट शिफ्ट होते हैं किसी भी चीज के, आप यंग जनरेशन से होते हैं, तो जो आपके यूट्यूब पे फॉर्मेट चल रहे हैं आजकल जो है वेब सीरीज के या स्टैंड अप के, वो टेस्ट हमारे पेरेंट्स ने तो चेंज नहीं करा ना, वो हमारी जनरेशन ने चेंज करा ना। तो ऐसी जो अभी कॉलेज में बच्चे हैं, कल के टेस्ट वो क्रिएट करेंगे। सो कॉलेज पीपल आर द टेस्ट मेकर्स, सो आपको नई चीज एक्सपेरिमेंट करनी है, टू चेक करनी है, तो आई थिंक दे आर द बेस्ट प्लेसेस टू डू दैट, बिकॉज उनके पास कोई बैगेज नहीं है पास्ट का, सो दे आर एम्प्टी स्लेट्स। Okay, I have to take some questions from Super Chat. Achyut Singh, 200 rupees. Vipul bhaiya, love from Falna. What is Falna? Falna mere gaon ka naam hai, jahan pe main rehta hu. Oh, acha. To wahan se bhi pyar aa raha hai. Nice. Wahan se to aana chahiye yaar. Vipul se bhi nahi aa raha to fir to yaar. Hometown se bhi nahi aa raha pyar.
विवेक माडिया से विपुल सर खत्री सर ने आपके एक शो के बारे में कहा था वेर यू ऑलमोस्ट किल्ड अ गाय विद योर जोक ऑन हिज 80th बर्थडे प्लीज टेल द स्टोरी इफ यू रिमेंबर ये क्या स्टोरी है देखो यार वो मरा तो अपने कंडीशन से ही मरा था मैंने सिर्फ जोक सुनाया था और उस समय हैपन टू जोक हो गया और कुछ नहीं अरे पता नहीं है कई बार हम लोग कुछ सीनियर वाला शो कर रहे थे मैं खत्री और शायद डैनियल भी था तो पता नहीं लोग सबका चल रहा था मैं क्लोजिंग एक्ट था तो अंकल हंसे होंगे बहुत ज्यादा वो एज की वजह से हंसे होंगे तो थोड़ा सा खांसी वासी हो गया होगा इसलिए आई डोंट थिंक इट हैज टू डू मोर विद एज रादर देन माय जोक्स आई वुड से क्योंकि वो इंसिडेंट खत्री के सेट में भी हो सकता था क्योंकि खत्री के भी 30 मिनट में से 5 मिनट तो फनी होते ही है यार I think you're being very generous to Atul. नहीं नहीं जब TEDx से बैन हुए तो रिवाल्डो ने पता किया अरे यार हदी कर जब आप TEDx से अरे यार अभी अरे रुको भाई रुको तो जब TEDx से बैन हुए तो रिवाल्डो का साथ अरे विपुल यार कोई तो जगह छोड़ दे जहां पे अब टेस्ट करना है मटेरियल यार अरे नहीं अभी 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 टेस्ट करता हूं वहां पे यार मैं अब वो छोड़ दे फिर आगे टेस्टिंग बंद हो जाएगी ना छोड़ दे वो एक दो चीजें छोड़ दे यार हम तो फ्री में शो दे रहे फिर रिवाल्डो तो ऐसा कर रहा है कि कल को मतलब निकलने वाले दुनिया से जो है मतलब कि आज पूरा फादर थोड़ी है सौरभ है तो पूरा कन्वर्सेशन मोड में आ गया कि चल रहा है कुछ सही बोल रहे रिवाल्डो कुछ आपकी बुक के लिए भी छोड़ देते so there is no scam toastmasters mein koi scam nahi hai it's all legit sorry koi bhi scam nahi actually main bata raha hu ye vipul ka to masala lagne ka hai yaar actually saurabh the the constraint was test kahan karu material yaar open mic the nahi us samay ha to open mic hote bhi the to mujhe samajh nahi aate the ki yaar sirf 5 minute mein kya karega aadmi jo hai open mic slot 5 minute ka milta tha theek hai aur because college mein kya hua in college whenever we used to perform कॉलेज में कुछ ही इंसिडेंट आते थे कभी कोई इवेंट हो रहा है ना तो साल के 2-3 इवेंट आते थे उसी में आपको स्लॉट मिलता था टेस्ट करने का परफॉर्म करने का तो अपन चढ़ते ही थे आधे घंटे लेके स्टेज पे मटेरियल विपुल ने भी जो अपना पहला करा था आधे घंटे लेके चढ़ा था विपुल फर्स्ट टाइम एवर ही इज डूइंग स्टैंड अप कॉन्टेंट वो आधे घंटे लेके स्टेज पे चढ़ा है ठीक है सो अब ये बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ये तो हमारी आदत ही थी 20-30 मिनट लेके स्टेज पे चढ़ने की अब ओपन माइक जो थोड़े बहुत होते भी थे वहां के थे 5 मिनट मतलब 5 मिनट में क्या होता है ठीक है ना तो उस तरह से तो we were looking for spaces. तो 7 दिन रुकते थे होटल में और 1 दिन में 3 टोस्टमास्टर क्योंकि सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स वहां पे तो हर कॉर्पोरेट में ना एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब होता है टोस्टमास्टर करके तो 2 बजे का स्लॉट है 4 बजे का स्लॉट है 6 बजे का स्लॉट है तो रिवाल्डो पहले सारे घर के आते थे फिर अगले वीक रिवाल्डो मेरे को भेजते थे कि अब मैं अपना एक और बंदा भेज रहा हूँ और मैं इसकी क्वालिटी चेक ले रहा हूँ और तू भी प्रैक्टिस करा तो मैं जाता था वहां पे तो बैंगलोर हैदराबाद में राजशेखर ममिडियाना जो अपना है राजशेखर तो वहाँ पे राजा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता था हमारा और राजा टोस्ट मास्टर्स में बड़ा सेलेब था हैदराबाद बैंगलोर साउथ में के राजा और राजा तो राजा रिवाल्डो का भी फैन था तो मैं वहां गया तो राजा मिलना है और राजा के पास बाइक होती थी बहुत ही घटिया बाइक ठीक है उस बाइक पे हम जब बैठते थे और राजा बाइक चलाता था मैं वो और हम लोग टोस्ट मास्टर 7 दिन 2 से 4 से 6 राजा चलाता था पहले राजा करता था फिर मैं करता था तो राजा हमारा वो सीन है राजा वाज आवर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर साउथ इंडिया कि मैं टेडएक्स टोस्टमास्टर के लिए बंदा भेज रहा हूँ देख लेना बाइक पे उसके घूम के वे और राजा तो ऐसे ऐसे मतलब ये स्कैम तो मैं ऐसे कॉमेडिकली वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन ये तो जेन्युइन मतलब मैं वो बिजनेस अकेले में बता रहा हूँ दादा का तो जो रंजीत वाले वाला कैरेक्टर है ह्यूमरसली योर्स में वो मैं और रिवाल्डो जब अलग हुए उसके बाद में मैंने भी सोचा मैनेजर रंजीत वालिया लेकिन 2 साल तक उसके पहले रिवाल्डो अपना मैनेजर बन के करते था और मैं देखता रहता था कमरे में यार क्या बंदा है तो वो भी जो आइडिया है पूरा मैनेजर का मेरा वहां से बोरोड है कि जब मैं अलग हुआ तो मुझे कि मुझे वो सारी चीजें करनी जो रिवाल्डो करते थे मैं अकेला क्या करूं तो मैं फिर रंजीत वाले बन के करता लेकिन उसके 2 साल पहले रिवाल्डो बन के करते थे रिवाल्डो आपके मैनेजर का नाम क्या था वरदान काबरा वरदान काबरा तो वरदान काबरा का ईमेल आईडी सारे ईमेल्स में वरदान काबरा उसमें है और वरदान काबरा का फेसबुक पे फेक अकाउंट भी बना हुआ ताकि लेजिट लगे वो ये सही में जेन्युइन बंदा है तो वरदान काबरा वाला एंड वरदान काबरा वाज फ्रॉम आईएम
मतलब वो नॉर्मल मैनेजर नहीं था, वो आईएम करके हमारा मैनेज कर रहा था शोज। और क्या वो भी रीजन मैं गूगल कर रहा हूं कि वरदान काबरा है कि नहीं। आई एम गूगलिंग वरदान काबरा, देयर इज वी ए आर डी ए एन काबरा, राइट? वही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आई थिंक निकाल दिया। एनीवे, हां ये ट्रिब्यूट टू रिवाल्डोस जो माइंड है ना, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, ये वाला रिवाल्डो का।